बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस कम्युनिकेशन है, बीकॉम पार्ट टू या ADC 2, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी वाइज रिपीट होते हैं। वैसे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन एग्जाम से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैंने सुपर 20 का नाम दिया है, और ये तकरीबन 20 सवाल हैं जिनको आपने अच्छे से करना है। इंशाल्लाह आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वाइज क्वेश्चन नहीं है, और जो सैम्पल साइज है हमारा ये 2011 से और 2021 तक, यानी तकरीबन 10 ईयर्स का जो है ये हमारा सैम्पल साइज है। इसमें हमने क्वेश्चन उठाए जो फ्रीक्वेंसी वाइज रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस द रोल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन की फिर डेफिनेशन देनी है, और कम्युनिकेशन जो होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसको आपने करना है। एक जो मिसकंसेप्शन है, मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कम्युनिकेशन का पेपर भी उर्दू में होता है, अब क्या जवाब दिया जाए उनको? तो बहरहाल कम्युनिकेशन का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं होता। दूसरा सवाल है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसको आपने डायग्राम और फ्लो चार्ट की मदद से बताना है। कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हैं कुछ, ये आपने डिस्कस करने, ये आपको अमीन खालिद साहब की बुक में भी मिल जाएंगी, या फिर मेरे नोट्स हैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या रुकावटें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। प्लानिंग स्टेप्स है बिजनेस कम्युनिकेशन की, पाँचवा। फिर बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम 7 C's भी कहते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो 7 C's के बारे से कहता है कि ये होते क्या है, क्लियरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस वगैरह, लेकिन कुछ उसने वो सेंटेंस देता है और आपने उनको करेक्ट करना होता है। तो ये इन 4 ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए। फिर सातवां क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट फॉर एन अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग क्लोजिंग पैराग्राफ्स या पैराज इन एनी बिजनेस मैसेज। ओपनिंग और एंडिंग के हवाले से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट बनाती है। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड डायग्राम के साथ लीगल एस्पेक्ट्स हैं इन बिजनेस कम्युनिकेशन, स्पेशली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डेफामेशन, फ्रॉड, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं लीगल एस्पेक्ट्स में से। फिर डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर इन इट्स सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपने बिजनेस लेटर के पार्ट्स को बताना है, वही हेडिंग वगैरह जो होता है उसके आपने पार्ट्स को डिटेल में सीक्वेंस में आपने बताना है। व्हाट इज एडजस्टमेंट लेटर, व्हाट आर यूजेस ऑफ सेल्स लेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन लेटर। फ्रीक्वेंसी वाइज ये 3 सवाल जो है ये पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, डिफाइन बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट को डिफाइन करना है और उसके फंक्शन जो है वो आपने बताने हैं। फिर अच्छा, ये जो 13वां सवाल है ये मार्केट टर्म्स के साथ आता है, जिससे पहले मैंने वीडियो में शेयर की थी इम्पोर्टेंट, तो ये उसके साथ लगकर आता है। नॉर्मली ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। डिफाइन मार्केट एंड मार्केट रिपोर्ट, मार्केट को डिफाइन करना है, मार्केट रिपोर्ट को डिफाइन करना है। फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट्स आपने बताने, एडवांटेजेस ऑफ मार्केट रिपोर्ट बताना, तो ये अच्छे से करना है आपने मार्केट टर्म्स के साथ, क्योंकि ये मोस्टली कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन कमोडिटी मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड मार्केट, बिलियन मार्केट, इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं, कॉटन मार्केट, कॉटन एक्सचेंज, ये सारी जो है कमोडिटी मार्केट में आ जाती है, गोल्ड की मार्केट्स। फिर स्टेप्स, मेथड्स इन ओरल कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लिसनर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज और पर्पस ऑफ इंटरव्यू, प्लानिंग स्टेप्स इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस, और फिर आपका है डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट, सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन, लेटर एंड मेमो, सॉलिसिटेड एंड सॉलिटेड सेल्स लेटर, हेयरिंग एंड लिसनिंग, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फाइनली ये लेटर्स हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है वो जॉब लेटर विथ CV है, इंक्वायरी लेटर होता है प्रोडक्ट का, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, क्लेम, कंप्लेन लेटर, और मेमो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेमोज सर्कुलेट होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी वाइज आपके हैं लेटर, और कोई पर्टिकुलर लेटर या जॉब लेटर या ऑर्डर लेटर इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि
वो अलग अलग ही पूछे जाते हैं, आपको उसका फॉर्मेट आना चाहिए, बाकी अंदर कहानी आपने खुद सुनानी है। और कहानी सुनाने के लिए यहाँ पर अंग्रेजी का बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है, यहाँ पर आपकी इंग्लिश बेहतर जब तक नहीं होगी तब तक आप सही काम नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी का बेहतर होना बहुत शदीद जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सवाल हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, इनको आपने करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के पेपर्स को बेहतरीन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेपर है हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, और इसका कल इंशाल्लाह इसका जो है वो पेपर होगा। तो पेपर की आई होप आप लोगों ने तैयारी तो कर ली होगी, लेकिन पेपर से पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो बेहतरीन कर देंगे। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो पेपर है वो दो पार्ट्स पर बेस करता है, कमर्शियल लॉ है और इंडस्ट्रियल लॉ है। तो चार क्वेश्चंस आपने करने होते हैं सेक्शन ए से, और दो सवाल आपने करने होते हैं सेक्शन बी से। तो टोटल 6 सवाल आपने करने होते हैं, और ख्याल ये रखें कि जब 6 सवाल किसी भी पेपर में करने हो तो उसमें आपने कहानियां नहीं सुनानी, बल्कि टू द पॉइंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है, ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। अच्छा, नंबर सेकेंड, अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जो आपका कमर्शियल लॉ या बिजनेस लॉ वाला जो पार्ट है उसमें सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शंस का क्या किया जाए। भाई, आपको अगर सेक्शंस याद हो रहे हैं तो लिख दें, लेकिन अगर याद नहीं हो रहे सेक्शंस तो फिर छोड़ दीजिए, जबरदस्ती गलत सेक्शंस ना लिखें। नंबर सेकंड, एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि एग्जाम्पल्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जिसमें बहुत से लोग गलत एडवाइस करते हैं कि एग्जाम्पल्स नहीं देनी चाहिए, एग्जाम्पल के बगैर आपका जो सवाल है वो नहीं माना जाता। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आपसे उसने एसेंशियल एलिमेंट्स मांगे हैं, तो हर एसेंशियल एलिमेंट के साथ उसके एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। तो या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसके साथ आपने एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स की यहाँ पर वैसे ही आपको मिसाल दी जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स के पेपर पार्ट वन, इकोनॉमिक्स के पेपर में माइक्रो में खास तौर पर जिन टॉपिक्स के साथ ग्राफ्स हैं, अगर आप ग्राफ्स नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कमर्शियल लॉ को भी दो मेन पार्ट्स में तोड़ा जाता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अच्छा, पहले जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट था और पार्टनरशिप एक्ट था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन 1923 और 1924 में उन दोनों को अलग कर दिया गया। तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शामिल है और उसके जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम देख लें तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड, और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पूछता है। एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, फिर स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हेन एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड। आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से बहुत, ये तीन शुरू के तीन क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, उसके अलावा ऑफर को कब तोड़ा जाता है, रिवोक किया जाता है। फिर कंसिडरेशन है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट आर एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज क्या है, जिसमें माइनर है और अनसाउंड माइंड है और उसके अलावा कन्विक्ट है, इस तरह के जो मुख्तलिफ हैं, तो वो इसमें डिस्कस होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। और ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सवाल जो है वो अक्सर पूछता है। व्हाट इज मीन बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, ऑल्सो डिस्क्राइब फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंट, आजादाना रजामंदी आपकी जो है, तो उसमें ये फ्रॉड, कोर्जन, फ्रॉड आ जाता है, जबर है, बेजा तसल्लुत और गलत बयानी, ये इसका पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
एक्सप्लेन पॉसिबल वे ऑफ टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा, रिमिडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर तोड़ा जाए तो उसकी क्या रिमिडीज होती हैं, और फिर ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपके 10 और 11 में, इंडेनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, व्हाट आर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी, बेलर, बेली, एजेंट, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भी यहाँ पर जो है आपका फॉल कर रहा है। अब अगर हम अगर फ्रीक्वेंसी वाइज अपने सवाल देखें कि किन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक ये डेफिनेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि तादाद कितनी दफ़ा आ चुका है। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स के, एसेंशियल एलिमेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा और ये विद एग्जांपल्स ही हैं आपके, और ऑफर की डेफिनेशन और ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, और एक्सेप्टेंस के भी जो एलिमेंट्स हैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और इसमें माइनर के हवाले से अगर ये सिर्फ कैपेसिटी ऑफ पार्टी पूछे तो जितनी इसमें कैपेसिटीज आ रही हैं उनको थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी के साथ थोड़ा थोड़ा सबको बता दें, माइनर हो गया या ल्यूनेटिक हो गया जो भी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। माइनर जो है इसमें खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर या तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी पूछता है तो उसमें आपने सबका थोड़ा थोड़ा बताना है, लेकिन माइनर के हवाले से माइनर पे आपने काफ़ी जोर देना है और माइनर को अच्छे से करना है। तो ये आपका हो गया। उसके अलावा फ्री कंसेंट की अगर सिर्फ बात करें तो फ्री कंसेंट में आपने फिर सारी ये फ्री कंसेंट को थोड़ा थोड़ा बताना है, और इसमें जो है वो फ्रॉड को और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये जो मैंने अभी बताया टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, टर्मिनेशन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको आपने करना है। टर्मिनेशन कुछ 4, 6, 8 पॉइंट्स होते हैं, सब ब्रीच के भी हैं, तो ये आपने इनको भी देखना है। उसके अलावा डिफरेंशिएट आता है इंडेनिटी गारंटी का, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, क्या दोनों में जो है वो फ़र्क होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसके अलावा आपके पास जो है एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है, एजेंसी के हवाले से एक सवाल अक्सर पूछता है कि हाउ कैन एन एजेंसी बी क्रिएटेड, तो ये क्रिएशन ऑफ एजेंसी जो है ना ये ज़रूर देखिएगा, अगर आप एजेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन इसकी एजेंसी क्रिएशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है, एजेंसी वाले सवाल में क्रिएशन ऑफ एजेंसी ज़रूर पूछता है वो। उसके अलावा जो है आपने एजेंट और प्रिंसिपल्स की जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो आपने देखी है, थोड़ी थोड़ी हैं तो उसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, और यहाँ पे तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही हैं, तो ये आपने जो है उसके अलावा ये राइट्स एंड ड्यूटी श्योरिटी की आपने देखनी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ प्योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंशाल्लाह आपके 2 सवाल यहाँ से निकल आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो अदर हमारे टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स अगर देखें तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा सवाल है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये वाला, अदर में ये इसको आपने प्रायोरिटी देनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा इसमें एक सवाल जो है जो कि अक्सर पूछा जाता है वो ये वाला है कि प्राइस क्या होती है, और प्राइस को जो है वो डिफाइन करें, और प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, प्राइस की डेफिनेशन और इसकी डिटरमिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, डिटरमाइन होती है, ये आपने जो है इसमें डिस्कस करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इस वाले अदर टॉपिक्स में चीज़ आ रही है। फिर कंडीशन और वारंटी के हवाले से है, कंडीशन और वारंटी जो है वो आप देख लें, कंडीशन और वारंटी की भी फ्रीक्वेंसी है,
तो वो अगर आप देखना चाहें तो कंडीशन एंड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन और वारंटी की डेफिनेशन देख लीजिए, वारंटी और कंडीशन। अच्छा जी, इम्प्लाइड कंडीशन ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। उसके अलावा अनपेड सेलर या अनपेड सेलर्स आप जो हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनपेड सेलर्स जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अनपेड सेलर की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। कैरियर्स पे आ जाएं तो कैरियर के हवाले से यहाँ पर मैंने जो है वो कॉमन, ये प्राइवेट एंड कॉमन कैरियर, इसको ज़रूर देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट एंड कॉमन कैरियर की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये खास तौर पे इस पे जो कॉमन कैरियर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। कॉमन कैरियर प्राइवेट कैरियर हल्का सा मैं फ़र्क बता दूँ, अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी खास मखसूस जगह पे, जैसे अब हम यहाँ से हमारे करीब है वाटर पंप चौरंगी, तो वाटर पंप चौरंगी पर ट्रक खड़े हुए होते हैं, आपको अगर घर का सामान वगैरह, आप या स्कूटी खड़ी होती है, घर का सामान वगैरह उठवाना है, तो आप किसी से भी जाके बात कर लेते हैं और वो सामान उठाकर आपके लिए डिलीवर कर देते हैं, ये कॉमन कैरियर्स होते हैं। प्राइवेट कैरियर क्या होता है कि वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए, मखसूस इदारों के लिए काम करते हैं, वो जनरल या कॉमन पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे होते, तो ये थोड़ा सा फर्क है। कॉमन कैरियर इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके राइट्स वगैरह पूछे जाते हैं, कॉमन कैरियर को आप बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। उसके अलावा आपके पास बिल ऑफ लेडिंग और चार्टर पार्टी को डिस्कस करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है बिल ऑफ लेडिंग चार्टर पार्टी, तो ये इसके इसमें ये है। फिर प्राइस को भी हमने देख लिया, और मॉर्गेज वाला देखें अगर हम क्वेश्चन, तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मॉर्गेजर है, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, जैसे चार्ज एंड मॉर्गेज, ये चार्ज और मॉर्गेज वाला जो सवाल है ये भी अक्सर और बेशतर जो है वो पूछा जाता है, चार्ज और मॉर्गेज। एक तो डिफरेंट काइंड्स है मॉर्गेज के और चार्ज, और उसमें डिफरेंट, तो ये आप जरूर देखिएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज और काइंड्स के साथ। अगर आप ये व्हाट राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ मॉर्गेजर को छोड़ दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चार्ज और ये जरूर आप देखिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम पार्टनरशिप पे आए तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, डिसोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी वाइज डिसोल्यूशन बहुत दफ़ा आया हुआ है। और राइट्स लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट लाइबिलिटीज और ड्यूटीज जो है पार्टनर की, ये जो है वो अक्सर पूछता रहता है। अच्छा, ये इसमें अगर आप पार्टनरशिप में ये दो चीज़ें देख लें, वैसे जो आपने किया हुआ है लेकिन अभी शॉर्ट टाइम है तो इस पर ज़्यादा फोकस कर लें, राइट्स लाइबिलिटीज और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है कैरियर हमने डिस्कस कर लिया, बिल ऑफ लेडिंग चार्टर पार्टी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन अक्सर पूछता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस पूछता है, ये अक्सर पूछ रहा होता है, ये दो चीज़ें आपसे बहुत पूछता है। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आप देखें, वैसे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन ये जो है कुछ चीज़ें इसमें आप देख लीजिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ये इसमें, तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट हैं जो कि सेक्शन ए में शामिल है, इसको बहुत एहतियात से आप, आपके पास टाइम है उसको देखें। फिर इंडस्ट्रियल लॉ है, दो इसमें सवाल आते हैं, निस्बतन आसान है। अच्छा, इसको भी अगर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वाइज देखें तो इसमें एक सवाल आ रहा है, व्हेन एन एम्प्लॉयर इज लायबल एंड नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, या एम्प्लॉयर लायबल होता है तो कब लायबल, कब जिम्मेदार होता है कि वो हादसे के बाद अपने अपने वर्कर को, अपने मुलाजिम को कंपनसेट करे, तो कब उसकी लायबिलिटी बनती है और कब नहीं बनती, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके अलावा
एक्सीडेंट और डिसेबलमेंट, ये जो है इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह देखना है, एक्सीडेंट और डिसेबलमेंट। तो डिसेबलमेंट जो है वो भी आपने इसको भी देखना है। तो डिसेबलमेंट जो है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एंड पार्शियल डिसेबलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी वाइज इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ये आ गया अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अच्छा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस दो तरह की होती है, लेबर की तरफ से भी होती है और ऑक्यूपायर या ओनर की तरफ से भी होती है। तो इनको दोनों को देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अच्छा, फिर जो शॉर्ट है उस पर स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है ऑर्डनरी सीजनल फैक्ट्री है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ऑर्डनरी सीजनल फैक्ट्री आपने देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और वर्क काउंसिल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्क काउंसिल बहुत ज़्यादा। CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वाइज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो सवाल आता है, जिसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग वाइज चल रहा होता है, ये प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये अक्सर और बेशतर ये जो है क्वेश्चन पूछता रहता है हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से। तो ये भी आपने जो है देखना है हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन शॉर्ट है, बहुत छोटा छोटा ही, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। तो इसको पढ़ें, दिमाग में बिठाएं और लिख दें, जहाँ कुछ नंबर्स वगैरह यूज हो रहे हैं उनको याद कर लें। जैसे अगर वो हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से, हेल्थ में कि एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसमें कितने फासले से एक वर्कर को काम करना है, तो इस तरह का जो डेटा है वो दिमाग में बिठा लें। बाकी जो है वो आपने आपको अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना चाहे एहतियात से, तो उसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अनफेयर लेबर हमने देख लिया है, इंस्पेक्टर सर्टिफाइंग सर्जन, आप ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। फिर एक अगर ये रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने जो आपने आपके पास जो इम्पोर्टेंट है जो भी है उसमें, तो आपने उसको तो आपने देखा ही है, ये ज़रूर देख लीजिए क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा डिटेल इसको बनाया जाए ताकि आप लोगों को बात भी समझ में आ जाए। तो इसको ज़रा आप देखें एहतियात से, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका कल का पेपर जो है वो बेहतरीन कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। बीकॉम पार्ट टू मैनेजमेंट का पेपर है, और मैनेजमेंट के पेपर में जो फ्रीक्वेंसी वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट 25 का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट 25। ये 25 सवाल हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और बहुत शिद्दत से ये रिपीट होते हैं। तो वैसे तो आपने पेपर की तैयारी की होगी, कर रहे होंगे, बहुत सारे गैस पेपर्स आपके सामने होंगे, लेकिन ये 25 क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई इतने बड़े नहीं है, मुश्किल नहीं है, इनको देख लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है नंबर वन, वो है डिफाइन मैनेजमेंट, और उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजर, या यूनिवर्सल फंक्शंस वाला एक सवाल है ये, वो है। तो आपने पहले मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, उसके बाद फिर यूनिवर्सल फंक्शंस जो है मैनेजर के वो आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फयोल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फयोल। तो कंट्रीब्यूशन जो भी है वो बेसिकली ये 14 प्रिंसिपल्स ही हैं हेनरी फयोल साहब के, जो कि आपने बताने, और थोड़ा सा पहले आपने ब्रीफली हेनरी फयोल के बारे में बताना है, क्या उनका बैकग्राउंड था, उसके बाद उनके 14 प्रिंसिपल्स जो है उनको आपने डिस्कस करना है। उसके बाद क्वेश्चन थ्री है डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशंस ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर फ्रेडरिक विंसेंट टेलर जो है उनकी खिदमात, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं वो आपने बतानी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर फोर्थ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या MBO, ये प्लानिंग के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फिर प्लानिंग स्टेप्स है और प्लानिंग की डेफिनेशन है, प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं, क्या प्लानिंग की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम और डिस्क्राइब कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल के इसमें से ये दो आपके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, और उसके अलावा बजट भी कंट्रोल से निकलता है। तो अगर मैं प्लानिंग के हवाले से बात करूं तो MBO, प्लानिंग स्टेप्स, प्लानिंग डेफिनेशन, पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स, और अगर कंट्रोल के चैप्टर की बात करें तो कैरेक्टर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल प्रोसेस और टाइप्स ऑफ बजट। स्टाफिंग पे आ जाए तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है, और एक्सप्लेन ह्यूमन एसेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन एसेट्स क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी इदारे में, उसके अलावा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग, और ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग भी आपका जो है वो स्टाफिंग का पार्ट है। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वाले हिस्से पर आए तो ऑर्गेनाइजेशन वाले हिस्से में हमारे पास ये तीन चीजें आ रही हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, WG Scott's 4 पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के 4 सतून WG Scott के, और स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। ये तीन चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक से निकल रही हैं। फिर हम मैनेजमेंट पे मोटिवेशन पे आते हैं, तो मोटिवेशन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है और उसकी वेरियस थ्योरीज, तो हर थ्योरी को थोड़ा सा आपने बताना है कि क्या हो सकती है। जैसे उसकी थ्योरीज में एक मैस्लो की नीड थ्योरी है, या थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैकग्रेगर की, या हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, या विलियम आउची की थ्योरी जी है, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में बताना है अगर इस तरह का सवाल है। मैस्लो की अगर बात करें, इब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी, तो इब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी है, या उसको हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, या एक सवाल उस तरह पूछता है कि मैस्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब वो नीड थ्योरी या हायरार्की ऑफ नीड के बारे में बात करता है तो वो तो फिर ये इस तरह से एक पिरामिड या अहराम क्या इस तरह के शेक बनती है, लेकिन जब वो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की बात कर रहा है तो वहां पर फिर आपने उसकी खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई मैकग्रेगर की आसान है, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप पे आ जाएं, डिफाइन लीडरशिप और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप देखिएगा, इसमें से मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो पूछी जा सकती हैं, तो इसको जरा आपने अच्छी तरह से देखना है। डेल्फाई और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक है, डेल्फाई टेक्निक और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। फिर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है और उसकी गाइडलाइंस हैं, ये 22 और 23 ही हो गए। और उसके बाद दो क्वेश्चंस आखिर आपके हैं, व्हाई आर ग्रुप्स फॉर्म, ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, और कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन की फिलोसफीज। तो ये 25 टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा दफा पूछे गए हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, इसकी तैयारी कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, EDOP, या इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान BCOM Part 2 का पेपर है, और कल ये पेपर है, और आई होप कि आप लोगों ने इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ क्वेश्चंस आप देखना चाहें तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इनकी काफ़ी फ्रिक्वेंसी है, पास्ट पेपर्स में, पास्ट ईयर्स में ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन को भी अगर देखना चाहें तो देख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसकी खसूसियात आपने देखनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क आपने देखना है। ऑब्स्टिकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावटें। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी वो अवामिल जो के पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के जिम्मेदार है। फिर एक क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस रोल ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अफराते-ज़र, गुर्बत और बेरोजगारी ये पाकिस्तान के अहम मसाइल हैं, आपने गवर्नमेंट के किरदार को डिस्कस करना है ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। सेलियंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबादी की नुमाया खसूसियात। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, वाई दिस सेक्टर इज बैकवर्ड। पाकिस्तान के जरई सेक्टर की, जरई शोबे की
इम्पोर्टेंस, और उसके अलावा ये सेक्टर क्यों बैकवर्ड है, क्यों पसमानदा है। फार्म मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जरई कर्जा जात और फार्म एग्रीकल्चर में मशीनों का इस्तेमाल, फार्म मैकेनाइजेशन। बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की पसमानदगी पाकिस्तान में, एंड मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और इन मसाइल को हल करने के लिए इकदाम। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू सनअतों की इम्पोर्टेंस, अहमियत। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी की इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की माशी तरक्की में, ईडीओपी में। फिर बैलेंस ऑफ पेड पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का फर्क डिस्टिंग्विश करना है दोनों में, तवाज़ुने अदायगी और तवाज़ुने तजारत। फिर है रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन ईडीओपी। फिर एक्सप्लेन वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मुख्तलिफ ज़राए ट्रांसपोर्टेशन के, और इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज, रेलवे की अहमियत। फिर रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान की माशी तरक्की में। फिर है मेन हेड्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, के बजट के हवाले से कि अहम जो है वो कौन कौन से हेड्स हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर्स के। फिर प्रॉब्लम्स है सरमाए की तश्कील या कैपिटल फॉर्मेशन, क्या उसमें मुश्किल हैं। CPEC, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, माशी मनसूबा बंदी के अवामिल, ऑब्जेक्टिव मकासद क्या लें, और एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस, ये तो आ सकते हैं एनर्जी क्राइसिस के हवाले से क्योंकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर ये आप देख लें तो इंशाल्लाह इसमें से भी आपका पेपर बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।